हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन सीएस एग्जीक्यूटिव थ्योरी की रिवीजन सीरीज में, अपना आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू टू चैप्टर्स, लिक्विडेशन एंड डिबेंचर्स। अभी तक मैंने शेयर कैपिटल और कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पार्ट के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग लिक्विडेशन एंड डिबेंचर्स का बात करेंगे। दीज टू चैप्टर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड थ्योरी एस्पेक्ट टू। तो थोड़ा सा ना इन चैप्टर्स को अपने को अच्छे से करना है। फॉर द चैप्टर ऑफ डिबेंचर्स मैंने सीपीटी और सीएस फाउंडेशन के लिए एक वीडियो अपलोड किया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों आप भी उसको देखना, वो आपके लिए भी उतना ही रेलिवेंट है क्योंकि उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला पोर्शन पूरा कवर्ड है। आज जो मैं डिस्कस करूंगा डिबेंचर में सिर्फ रिडेम्पशन का पोर्शन, इशू वाला पोर्शन अलॉन्ग विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो वहां पे कवर्ड है, आप प्लीज उसको चेक कीजिएगा। ठीक, द फर्स्ट पार्ट वी विल बी स्टार्टिंग इज द लिक्विडेशन पार्ट। लिक्विडेशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 से 5 टॉपिक्स है, आपको बस उनको समझना और अच्छे से लिख के आना है। एंड वो प्रैक्टिकल में भी आपने सीखा है तो आपको ज्यादा लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले लिस्ट ए एंड लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। कंट्रीब्यूटरीज क्या होते हैं वो सबसे पहले समझो। जैसे ही कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के प्रोसेस में जाती है, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स होते हैं वो अब कंट्रीब्यूटरीज कहलाने लग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कंट्रीब्यूट करना है फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। अगर एसेट्स, जो एसेट्स हमारे पास है उनको बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज चुका नहीं पा रहे हैं, तो हम शेयर होल्डर को बोलते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए जिससे हम इन लायबिलिटी को चुका सके। एकदम बेसिक रूल याद रखिएगा, कंपनी हैज ऑलवेज लिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि शेयर होल्डर से आप उतना ही रुपया मांग सकते हो जितने उसके शेयर पे अनपेड है। अगर शेयर्स फुल्ली पेड है ना तो हम शेयर होल्डर से पैसा मांगने ही नहीं जा सकते। तो चाहे लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी चाहे लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी, लायबिलिटी ऑफ अ कंट्रीब्यूटरी अराइजेस ओनली इफ टू कंडीशंस आर देयर। नंबर वन, उनके शेयर पार्टली पेड हो। अगर फुल्ली पेड हो गया तो आप उनसे कुछ नहीं मांग सकते। नंबर टू, अगर कंपनी की कुछ लायबिलिटीज चुकानी बाकी है या इन कंट्रीब्यूटरीज के आपस में जो हिसाब करने हैं वो बाकी है, मतलब डिफरेंट पेड अप वैल्यू या डिफरेंट फेस वैल्यू के कंट्रीब्यूटरीज है तो उनका आपस का हिसाब बाकी है, तभी हम कंट्रीब्यूटरीज से पैसा कॉल कर सकते हैं। लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी होते हैं जो हमारे कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स होते हैं। जब कंपनी वाइंड अप या लिक्विडेशन के प्रोसेस में गई उस समय जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज। लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज की लायबिलिटी प्राइमरी नेचर होती है, मतलब अगर कुछ लायबिलिटीज को पैसा चुकाना बाकी है और इनके शेयर पार्टली पेड है तो कंपनी सबसे पहले लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज के पास जाती है जो कंपनी के प्रेजेंट मेंबर्स हैं। अगर ये पैसा देने से मना कर दे तब कंपनी लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज, मतलब इन्हीं शेयर होल्डर्स, ये जो लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज थे, ये जो शेयर होल्डर्स है इन्होंने जिनसे शेयर खरीदा था, मतलब इनसे पहले वाले इमीडिएट ट्रांसफरर्स जो थे उनके पास कंपनी जाती है फॉर गैदरिंग द मनी। ये जो ट्रांसफरर्स होते हैं, जो इमीडिएट ट्रांसफर इनसे पहले, उनको हम लोग बोलते हैं लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज। लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज प्रेजेंट मेंबर्स नहीं है, वो पास्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी है और इनकी लायबिलिटी तभी शुरू होती है अगर लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी पैसा देने से मना कर दे। डन। अब लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज में सिर्फ वो ट्रांसफरर्स आते हैं जिन्होंने अपना शेयर वाइंडिंग अप से एकदम 1 साल पहले के अंदर ट्रांसफर किया। मान लो वाइंडिंग अप हो रहा है 30th अप्रैल 2017, तो 30th अप्रैल 2016 या 1 मई 2016 के बाद जिन लोगों ने शेयर ट्रांसफर किया था लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज को, सिर्फ वही लिस्ट बी में आएंगे। अगर 1 साल से ज्यादा पुराना ट्रांसफर है तो वो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी में नहीं आता। लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी पास्ट मेंबर जिन्होंने अपना शेयर ट्रांसफर किया था विद इन 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। डन। नंबर 3, ये उन डेट्स के लिए लायबल होते हैं जो इनके पास जब शेयर थे वहां तक जो कंपनी ने लायबिलिटी इनकर की थी, सिर्फ उन लायबिलिटी के लिए ये लायबल है। इनके शेयर ट्रांसफर करने के बाद जो लायबिलिटी अराइज हुई उनके लिए ये लायबल नहीं होते। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द डेट्स व्हिच वेयर इनकर्ड टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय देम। एंड
इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी जितना अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स है। मान लो इन्होंने जब शेयर ट्रांसफर किया था वो पार्टली पेड था, बट लिस्ट ए के पास मतलब जो प्रेजेंट मेंबर था उन्होंने शेयर को फुल्ली पेड कर दिया था, चाहे एडवांस चाहे कैसे भी, तो लिस्ट बी के पास हम जा ही नहीं सकते क्योंकि शेयर फुल्ली पेड है। बट आप जब इनसे पैसा मांगोगे आप उतना ही मांग सकते हो जितना शेयर पे अनपेड अमाउंट है, उससे ज्यादा आप इनसे रुपया नहीं मांग सकते। अगर ट्रांसमिशन के कोर्स में शेयर ट्रांसफर हुआ था यानी डेथ के केस में शेयर ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांसफरीज लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज में नहीं आते। उन जिसकी डेथ हुई उसने अपने लीगल हेयर को ट्रांसफर किया, अगर डेथ जिसकी हुई उसने किसी और से लिया था विद इन वन ईयर तो वो कहलाएंगे लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी, बट जिनसे डेथ में ट्रांसफर हुआ अपने बच्चे को वो लिस्ट बी नहीं कहलाएंगे, वो लिस्ट ए की कैटेगरी में ही कैटेगराइज की जाएंगे। ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए आगे चलते हैं। नंबर टू, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आपने ये क्वेश्चन ना लर्न नहीं करना क्योंकि आप जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाते हो लिक्विडेटर्स का, उसमें ना आप जब पेमेंट्स करते हो आप ये ऑर्डर को ही फॉलो करके पेमेंट करते हो। ये थ्योरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बार इंस्टीट्यूट पूछ चुका है ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने सिक्योरिटी दे रखी है किसी एसेट के अगेंस्ट, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उन्होंने जिन सिक्योरिटीज पर अपना उन्होंने उनको जो सिक्योरिटी हमने दी थी उन सिक्योरिटी को बेचकर जो भी पैसा आएगा पहले हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देंगे। सिक्योर्ड एसेट्स का जो भी प्रोसीड होगा सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को चला जाएगा, उसके बाद जो उनका पैसा सरप्लस बचा हुआ है मतलब सिक्योर्ड एसेट को बेच के मान लो आया 10 लाख, सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है 8 लाख, तो ये जो 2 लाख सरप्लस बचा प्लस जो अदर्स एसेट्स थे जिन पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनसे जो पैसे आए हैं उनको हम यूज करेंगे इन दी फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस। नंबर टू, कमीशन लिक्विडेटर का। इसके साथ साथ नंबर थ्री, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट होता है जो कि कभी पूछता नहीं है तो आपको भी लर्न करने का जरूरत नहीं है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी एसेट, उसके बाद बैलेंस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर्स, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले वाइंडिंग अप का एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यानी कमीशन या जो भी, नंबर थ्री ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर और एकदम लास्ट में लिक्विड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपने क्या डिस्कस किए, सिक्योर्ड एसेट को बेच के जो पैसा आएगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसका जो सरप्लस बचा प्लस जो अनसिक्योर्ड एसेट थे उससे जो पैसा है उसको इस लेवल पे यूज किया जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर सिक्योर्ड एसेट को बेच के सिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा नहीं चुका पाए उसमें कुछ डेफिसिट रह गया है तो ये जो डेफिसिट है ना वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल के रैंक होगा एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ पेमेंट किया जाएगा। अब पेमेंट करते टाइम ध्यान ये रखना है, अगर हमने जो लास्ट पेमेंट किया हुआ है बैलेंस शीट मतलब जो बैलेंस शीट दी हुई है जब तक हमने सारा इंटरेस्ट डिबेंचर का पेमेंट कर रखा है, अगर उससे कुछ डिले होता है हमें उन्हें पेमेंट करने पे तो उस इंटरिम पीरियड का हमें डिविडेंड है इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और ये इंटरेस्ट हम उस डिबेंचर के साथ ही जब डिबेंचर को पेमेंट करना आफ्टर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उसी के साथ रैंक करते हैं। इंटरेस्ट कंपनी पेमेंट करती है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, अगर कंपनी के पास पैसा है क्रेडिटर्स को चुकाने का तो अप टू द डेट ऑफ पेमेंट जब उन्होंने पेमेंट किया तब तक का उनको ब्याज देना पड़ेगा, अगर इंसॉल्वेंट है तो सिर्फ बैलेंस शीट डेट तक का या फिर मैं बोलूं वाइंडिंग अप डेट तक का ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ध्यान, तीसरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, मेरे को लगता है इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें दूसरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद बट दूसरे अदर क्रेडिटर से पहले पैसा दिया जाना चाहिए। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कंपनीज एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट है, उसी के हिसाब से हम इनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैटेगराइज करके पेमेंट करते हैं। सबसे पहला, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई रेवेन्यू टैक्स सेस या फी ड्यू है
विदिन लास्ट 12 मंथ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कमेंसमेंट के 12 महीना पहले तक अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्स सेस या फी ड्यू है, मतलब मान लीजिए वाइंडिंग अप हो रहा है 1/4/2017, तो 16-17 ईयर मतलब 1/4/2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक का अगर कोई ड्यू बाकी है तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कहलाएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड सिर्फ टैक्स सेस फी, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस ये सब बाकी है तो इनको हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कैटेगराइज नहीं करेंगे। नंबर टू, जो हमारे यहाँ इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी इज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उनको हमको पहले पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर अदर क्रेडिटर्स। बट इसमें रूल क्या है, हम सिर्फ उन सैलरीज को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कैटेगराइज करेंगे जो वाइंडिंग अप के एकदम पहले जो 12 महीना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप उसके अंदर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, उस 12 महीना के अंदर मैक्सिमम 4 महीना विल बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और उस मैक्सिमम 4 महीने में हर एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ 20,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैटेगराइज होगा। ध्यान से, सैलरी जो बाकी है लास्ट 12 महीने में, 12 महीने में मैक्सिमम 4 महीने और 4 महीने का मैक्सिमम 20,000 पर एम्प्लॉय, उससे ज्यादा अगर कुछ बाकी होगा दैट विल नॉट बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, दैट विल बी सेग्रीगेटेड या डिवाइडेड एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सिर्फ लास्ट 12 महीना में 4 महीने और मैक्सिमम 20,000 रुपए। डन। नंबर थ्री, जो इंप्लॉयज का ESI इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा बाकी है लास्ट 12 महीने का। नंबर फोर, accrued holiday remuneration of employees जो बाकी है वो। नंबर फाइव, statutory dues of employees like provident fund, pension ये सब जो बाकी है वो। उसके बाद companies act के अंदर किए गए investigation और other expenses, और last अगर किसी कंपनी ने accrued holiday remuneration और सैलरी को पेमेंट करने के लिए कोई लोन लिया था तो वो लोन भी preferential creditor segregate किया जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का टैक्स सेस फी लास्ट 12 महीना, इंप्लॉयज का सैलरी लास्ट 12 महीना मैक्सिमम 4 महीना और मैक्सिमम 20,000 पर एम्प्लॉय। नंबर थ्री, इंप्लॉय का ESI का पैसा लास्ट 12 महीना, एक्रूड हॉलीडे रेमुनरेशन, इंप्लॉय के स्टैट्यूटरी या वेलफेयर फंड्स के ड्यू जैसे प्रोविडेंट फंड ये सब। नंबर नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टिगेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। और नंबर लास्ट, अगर एक्रूड हॉलीडे रेमुनरेशन या सैलरी को पेमेंट करने के लिए कोई लोन लिया गया है तो वो लोन भी कैटेगराइज होगा एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। नेक्स्ट, दो प्रैक्टिकल टॉपिक है जिन पर थ्योरी आज तक पूछी नहीं और मेरे को नहीं लगता पूछी जाएगी, मैं दोनों को सिर्फ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये बनाने तो बहुत ही बार आता है, थ्योरी आज तक नहीं पूछा। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है, लिक्विडेटर जो एसेट बेचकर पैसा ला रहा है और जैसे जैसे लायबिलिटीज को पेमेंट कर रहा है इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट, उसको उसकी एक कैश बुक मेंटेन करनी पड़ती है कि कहां कहां से पैसा आया और कैसे कैसे उनको पेमेंट किया गया है। इस कैश बुक को या इस रिसीट एंड पेमेंट्स को लिखने को हम लोग कहते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ पे कोई डबल एंट्री नहीं होती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो लिक्विडेटर बनाता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट में हम लोग सारी रिसीट्स को नोट करते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ दी स्टेटमेंट में हम सारे पेमेंट्स को नोट करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये लिक्विडेटर बनाता है। ये क्या है, जो भी लिक्विडेटर पैसे लेके आ रहा है एसेट बेच के और जो जो लायबिलिटीज को यानी रिसीट्स एंड पेमेंट जो हो रहे हैं कैश के उनको रिकॉर्ड करता है यहाँ पे। ये कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई डबल एंट्री नहीं होती। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेटमेंट में हम सारे रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं जो जो एसेट बेच के आया, और नंबर फाइव, राइट हैंड साइड में हम सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जो हमने एसेट्स के पैसों से लायबिलिटीज को पेमेंट किया है, और ये पेमेंट हमेशा ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से होता है। डन। लास्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, जब कंपनी वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन में जाती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो जो डायरेक्टर्स ऑफ दी कंपनी है उन्हें कोर्ट को एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिट करना पड़ता है कि कंपनी के पास एज ऑन दैट डेट क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है। इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को एक एफिडेविट के साथ आपको सपोर्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उनकी क्या रियलाइजेबल वैल्यू है, जितने भी हमारे लायबिलिटीज हैं उनकी क्या पेबल वैल्यूज है, हम सबको डिनोट करते हैं। ठीक, क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स स्टेटमेंट डायरेक्टर्स बनाते हैं, कोर्ट को सबमिट करते हैं विद इन 21 डेज कमेंसमेंट के, वाइंडिंग अप के।
विद इन 21 डेज मैक्सिमम 3 महीने का टाइम मिलता है, इसको एफिडेविट के साथ सपोर्ट करना पड़ता है और ये कोई भी क्रेडिटर या मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में टोटल 8 लिस्ट होती है, लिस्ट ए से लिस्ट एच, और ये 8 लिस्ट ना फ्रेंड्स कुछ नहीं है, जो हमने ऑर्डर ऑफ पेमेंट पढ़ा है एकदम वैसे की वैसे लिस्ट है, आप सिर्फ देखते जाओ। लिस्ट ए उन एसेट की लिस्ट है विच आर नॉट इन दी हैंड्स और प्लेस्ड इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब जो हम बात कर रहे थे ना, जो एसेट सिक्योरिटी में नहीं रखे हुए हैं, ये उन एसेट की लिस्ट है जो प्लेज नहीं किए गए हैं इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट बी उन एसेट की लिस्ट है जो आपने प्लेज कर रखे हैं विद दी क्रेडिटर्स, जिसको आप सिक्योर्ड एसेट बोलते हो ना, जो सिक्योरिटी दिया हुआ है किसी लोन के अगेंस्ट, वो लिस्ट बी में। लिस्ट ए एसेट्स विच आर नॉट प्लेस्ड, लिस्ट बी एसेट विच आर प्लेज्ड, लिस्ट सी। अब लिस्ट सी से आप पढ़ते जाओ, सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद हम किसको पेमेंट करते थे, डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर, एकदम जो आपने सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ा था उसी में, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये आपको अलग से नहीं लर्न करना है, एकदम ऑर्डर ऑफ पेमेंट लर्न करो, ये हो जाएगा। खाली लिस्ट ए लिस्ट बी एसेट के लिए, लिस्ट सी टू लिस्ट जी लायबिलिटीज के लिए, लिस्ट ए बी एसेट का, लिस्ट सी टू जी लायबिलिटी का, पहले बोली ये बात ठीक है। और लिस्ट एच होता है सरप्लस और डेफिशिएंसी, जो हम पेमेंट नहीं कर पाए, हमारे एसेट जो कम पड़ गए या बेसी है, जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, उस सरप्लस और डेफिशिएंसी को दिखाने के लिए लिस्ट एच। तो टोटल 8 लिस्ट होती है, डायरेक्टर सबमिट करते हैं कोर्ट को विद इन 21 डेज, एफिडेविट के साथ सपोर्ट किया जाता है और इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी क्रेडिटर या मेंबर। दिस इज द थ्योरी ऑफ लिक्विडेशन। डिबेंचर्स में आप सीपीटी वाला वीडियो देखोगे, साथ साथ कुछ बातें हैं जो मैं आपको कर देता हूं। सबसे पहले कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्रैक्टिकली भी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेंचर के क्वेश्चन में रहेगा ही, और थ्योरेटिकली भी दो बार पूछा गया है। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है समझना, डिबेंचर्स पर कंपनी को पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। इंडिया में नॉर्मली कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पर ये इंटरेस्ट पेमेंट करती है, और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट की डेट्स होती है ना, पहले से स्पेसिफाइड या फिक्स्ड रहती है। साल में दो बार पेमेंट करेगी 6-6 महीने का, और कब करेगी वो भी फिक्स्ड है। अगर मान लो एक बायर और एक सेलर, मतलब एक डिबेंचर होल्डर है जिसको अपना डिबेंचर ट्रांसफर करना है या सेल करना है किसी को, चाहे कंपनी ही ओन डिबेंचर क्यों नहीं खरीद रही हो, तो डिबेंचर होल्डर जब अपने डिबेंचर ट्रांसफर करेगा, अगर वो ट्रांसफर उस इंटरेस्ट पेमेंट डेट के दिन ही कर रहा है या उसके नेक्स्ट डे ही कर रहा है जब उसको इंटरेस्ट कंपनी से मिल गया हो, तो उसने कोई इंटरेस्ट अलग से लूज नहीं किया, वो सिर्फ डिबेंचर के पैसे मांगता है। बट आप सोचो, अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट डेट, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो ट्रांसफर कर रहा है, मान लो कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट किया था 30 सितंबर को, मैं 1 दिसंबर को अपने डिबेंचर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये जो अक्टूबर और नवंबर मैंने डिबेंचर होल्ड किए थे, क्या ये 2 महीने का इंटरेस्ट मेरे को मिलना नहीं चाहिए? तो मैं जिसको भी ट्रांसफर करता हूं ना, मैं उससे दो चीजों के लिए पैसे लेता हूं। नंबर 1, एक तो डिबेंचर का सेलिंग प्राइस, और नंबर 2, जितना पीरियड के लिए मैंने डिबेंचर होल्ड किया था, जो इंटरेस्ट मुझे कंपनी से मिलना चाहिए, बट मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी तो 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट देती है, और उसी को देती है जिसके पास क्या हो, डिबेंचर। तो मैंने तो किसी को ट्रांसफर करना है ये डिबेंचर, तो ये जो 2 महीने मैंने डिबेंचर होल्ड किए, इसका इंटरेस्ट भी मेरे को मिलना चाहिए। अगर प्राइस जो आप कोट कर रहे हो सामने वाले को, सेलर जो बायर को प्राइस कोट कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूडेड होता है, मतलब वो टोटल प्राइस बता रहा है उसे डिबेंचर के लिए कितना चाहिए, तो वो होता है कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। अगर सेलर जो कोट कर रहा है बायर को, वो सिर्फ डिबेंचर के प्राइस कोट कर रहा है और इंटरेस्ट अलग से लेगा, तो ये जो प्राइस होता है विदाउट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, दिस इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट प्राइस।
तो कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट प्राइस आर नथिंग बट प्राइस कोटेशंस जो एक सेलर बायर को देता है। और अगर आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जितने पीरियड आपने होल्ड करके रखा है उतना इंटरेस्ट आप प्राइस में इंक्लूड करके सामने वाले को बताते हो, दैट इज नोन एज कम इंटरेस्ट प्राइस। विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट अगर आप प्राइस बताते हो और इंटरेस्ट अलग से लेते हो उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। होप द डिस्कशन इज क्लियर टू यू। आगे ये वाला क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडेंशन रिजर्व। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में मैंने टेबल में देके रखा है, आप इसको प्रिंट आउट करके देख लेना, मैं खाली बातें फटाफट रिवाइज कराता हूं। डिबेंचर रिडेंशन रिजर्व, जिस कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कर रखा है उन्हें एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है डिबेंचर रिडेंशन रिजर्व। ये रिडेम्पशन रिजर्व कहां से क्रिएट होगा? हमारे प्रॉफिट जो हमारे पास है अवेलेबल फॉर डिविडेंड, आप पीएल अकाउंट नॉर्मली बोल सकते हो या फ्री रिजर्व्स बोल सकते हो। ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो भी पैसा हम एक्यूमुलेट करेंगे वो सिर्फ एक ही काम में यूज हो सकता है। क्या काम बोलो? डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए। तीन पॉइंट बोला, जो भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करेगी उन्हें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। नंबर टू, ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हम बनाते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जिसे हम फ्री रिजर्व्स पीएल या जीआर भी बोलते हैं। नंबर थ्री, ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होगा। क्या काम के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना बनाना पड़ेगा? आपने जितने वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इशू किए हैं, वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशू किए हैं उसका एटलीस्ट 25%, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आपको रखना ही पड़ेगा। ये एक सेफ्टी पर्पस है ताकि कंपनी डिबेंचर के पैसे स्मूथली वापस कर दे, ये सेफ्टी के लिए कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन लाया। तो 25% एटलीस्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कुछ कंपनीज या कुछ केसेस में नहीं बनाना पड़ता है। नंबर वन, अगर आपके फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, नो रिजर्व रिक्वायर्ड बिकॉज यू वोंट पे मनी, यू विल कन्वर्ट दोज डिबेंचर इनटू शेयर्स, तो कोई डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं चाहिए। अगर पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो कन्वर्टिबल पोर्शन के लिए डीआरआर नहीं चाहिए। मतलब सिंपली बोलूं, अगर डिबेंचर कन्वर्टिबल नेचर्स के हैं जो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, कैश में पेमेंट नहीं करना है, तो डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना है। आरबीआई द्वारा नोटिफाइड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर नहीं बनाना है। और लास्ट, एनबीएफसीज जो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर डिबेंचर इशू कर रही है उनको भी डीआरआर नहीं बनाना है। मैंने कितने केसेस बोले सुनना, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। नंबर टू, बैंकिंग कंपनीज को डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। एनबीएफसीज को डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड अगर वो डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। और एक केस है, अगर आपके डिबेंचर का मैच्योरिटी 18 महीने या उससे कम है, मतलब सिर्फ 1.5 साल या उससे कम के लिए डिबेंचर इशू किया जो कि कोई करता नहीं है, तो भी आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। इन केसेस में डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। पहले जो केस बोल रहा था वो केस थे कंपनीज एक्ट के, ये दो केस है सेबी से रिलेटेड। ठीक, ये जो डीआरआर होता है ये हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर दिखाई देता है। डीआरआर बनाने के बाद हमें उसका पैसा कंपनी में आइडल नहीं रखना है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने कहा कि आपके पर्टिकुलर ईयर में, आपका मान लो ईयर चल रहा है 16-17, तो 31 मार्च 2017 से पहले उस साल में जितने भी डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उसका एटलीस्ट 15% वैल्यू आपको डीआरआर का पार्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लो 10 करोड़ के डिबेंचर्स हम रिडीम करने वाले हैं इस साल एंड में, तो 10 करोड़ का 15%, 1.5 करोड़ का हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डीआरआर से। हम वो आइडल नहीं रख सकते, वो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 15% ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम टू बी रिडीम ऑन द 31 मार्च ऑफ दैट ईयर शैल बी इन्वेस्टेड। और ये इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा उस साल के स्टार्टिंग 30 अप्रैल से पहले तक। आपका ईयर है मान लो 16-17, आपको 30 अप्रैल 2016 से पहले तक इन्वेस्ट कर देना है। और कितना इन्वेस्ट करना है? 31 मार्च 2017 को जो आप डिबेंचर रिडीम करने जा रहे हैं उसका एटलीस्ट 15%। कहां कहां इन्वेस्ट करना है उसकी लिस्ट दी हुई है।
आप चाहो तो शेड्यूल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रख सकते हो, हाउएवर दिस नॉर्मली डज नॉट फेच सो मच रिटर्न। शेड्यूल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रख सकते हो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, इस पर कोई चार्ज यानी सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते हो। मतलब आप ये जो पैसा पड़ा हुआ है आप इसको एज एन एसेट किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इन अनइंकम्बर्ड मतलब विदाउट चार्ज सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो बॉन्ड्स है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। चार जगह बताई गई, शेड्यूल बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर बोले हुए सिक्योरिटीज या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर बोले हुए बॉन्ड्स, आप इनमें से किसी जगह भी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो पैसा है इसका बैलेंस 15% से कम कभी नहीं होना चाहिए। उस साल में जो मैच्योर होने वाले हैं उनकी वैल्यू के 15% से कम होना नहीं चाहिए। और ये पैसा सिर्फ एक ही काम में यूज होगा, बताइए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। DRR वाला पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक्सप्लेन किया, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। छोटी छोटी बात है, जैसे ओन डिबेंचर क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। देखिए प्रैक्टिकली दीज टॉपिक्स ओन डिबेंचर सिंकिंग फंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो एग्जाम में आएंगे ही। 13 to 15 मार्क्स का डिबेंचर चैप्टर आएगा, तो प्रैक्टिकली तो आएगा, थ्योरिटिकली आप इसको जस्ट रीड करके जाइएगा। आज तक आया नहीं है बट आ सकता है। ओन डिबेंचर क्या होता है, अगर आर्टिकल्स ऑथराइज करे तो एक कंपनी अपना खुद का डिबेंचर शेयर मार्केट से या मार्केट से डिबेंचर होल्डर से रीपरचेज कर सकती है, आइदर फॉर द कैंसिलेशन यानी रिडेम्पशन के लिए या एज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की तरह हमने परचेज कर लिया, अब क्या होगा, अगर हमने अपना ही डिबेंचर परचेज कर लिया तो अब उस पर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो हमारा हर साल इंटरेस्ट सेविंग होगा, विच इज एन रिटर्न ऑन दैट ओन डिबेंचर। तो अगर कंपनी अपने खुद के डिबेंचर ही मार्केट से परचेज कर ले उसे हम बोलते हैं ओन डिबेंचर्स। अब ये ओन डिबेंचर जो हम परचेज करते हैं इस पर जो इंटरेस्ट है, कंपनी को तो इंटरेस्ट देना है, अगर कंपनी ने उसी दिन कैंसिल कर दिया तो ये रिडेम्पशन हो गया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू जो पैसा लगा बैंक, प्रॉफिट लॉस हुआ तो ये प्रॉफिट या लॉस ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन चला जाता है कैपिटल रिजर्व से, लॉस ऑन कैंसिलेशन आपको रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट इनको कुछ दिन रखना चाहती है तो अगर कंपनी इनको रखेगी तो कंपनी एंट्री करेगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो नॉर्मल है, एंट्रीज देख लेना। ये जो इन्वेस्टमेंट की तरह कंपनी रख रही है इस पर अब हर 6 महीने पर हर टर्म पे जब कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है इंटरेस्ट सेव होगा, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये कंपनी के लिए एक इनकम माना जाएगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है हमारा टोटल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग पर, उस पर ये इंटरेस्ट हमें हर साल बचेगा, जो कि हमारे लिए क्या है, इनकम। तो लिक्विडेशन एंड डिबेंचर वाला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। लिक्विडेशन में लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरीज प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिकल, ऑर्डर ऑफ पेमेंट्स एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पढ़ के जाइएगा पक्का, कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंसेगा। डिबेंचर्स में DRR इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और जो इश्यू ऑफ डिबेंचर में बार बार बोल रहा हूँ CPT का वीडियो लिंक में दिया हुआ है, प्लीज उसको रेफर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।